डॉक्टर अय्यतन गोपालन राव साहब और दर्शन जी के नाम से भी केरल में जाने जाते हैं। डॉक्टर अय्यतन गोपालन केरल के डॉक्टर, लेखक, लोकोपकारक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 3 मार्च सन 1861 को तलशेरी के चिट्टकुंद के संपन्न परिवार पुलपाड़ी इल्लम में हुआ था। इनके पिता अय्यतन चंदन और माता कल्लाट चिरद अम्माल हैं। इनकी बहन डॉक्टर जानकी अम्माल तात्कालिक मलबार की प्रथम महिला डॉक्टर हैं। वे बचपन से ही जातिगत मान्यताओं के विरोधी रहे, अपनी चोटी स्वयं ही काट दी जो कि उन्हें दूसरों से भिन्न दिखाती थी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज से वे अत्यधिक प्रभावित थे। सन 1888 में मेडिकल कॉलेज की डिग्री प्रवीणता के साथ उत्तीर्ण कर सरकारी सेवा में नियुक्त हुए। दक्षिण भारत के कई अस्पताल में चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दी। ब्रिटिश शासन में मलबार जिला के मजिस्ट्रेट भी बने। गोपालन का विवाह कल्लाट कौशल्या अम्माल से 30 दिसंबर 1894 को ब्रह्म समाज मद्रास में हुआ। आगे चलकर उनकी पत्नी भी डॉक्टर गोपालन के समाज सुधारक कार्यों में उनकी पूर्ण सहयोगी बनी। सन 1896 में वे कोईकोड के मेंटल हॉस्पिटल के प्रथम भारतीय सुपरिटेंडेंट बने। उस दौरान यह अस्पताल पागलों के जेल नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अय्यतन गोपालन की कार्यनिष्ठा से अस्पताल के भीतर और बाहर के परिवेश में बदलाव आया। वहां लोगों के बीच में वे दर्शनजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 17 जनवरी सन 1898 को डॉक्टर अय्यतन गोपालन ने केरल के प्रथम ब्रह्म समाज संस्थान की स्थापना कोईकोड में की। ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा और बैठक के आयोजन के लिए ब्रह्म मंदिर की स्थापना की, जो आगे चलकर उनके नाम का विद्यालय बन गया, अय्यतन गोपालन मेमोरियल स्कूल। केरल के दूसरे ब्रह्म समाज संस्थान की स्थापना सन 1924 में आलप्पुझा में हुई। सन 1900 में डॉक्टर अय्यतन गोपालन और उनकी पत्नी कौशल्या अम्माल ने मिलकर सुगणवर्धनी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के द्वारा बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास, स्त्री के अधिकारों की रक्षा, बालिकाओं और दलित समुदाय के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। डॉक्टर अय्यतन गोपालन की मृत्यु 87 वर्ष की आयु में 2 मई सन 1948 को हुई। डॉक्टर अय्यतन गोपालन एक मंझे हुए लेखक भी थे। आज भी केरल के ब्रह्म समाज में उन्हीं का लिखा हुआ प्रार्थना गीत गाया जाता है। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखित ब्रह्म धर्म का मलयालम अनुवाद सन 1910 में किया। ब्रह्म समाज के कई कीर्तन और गीत भी लिखा। इनकी मुख्य रचनाएं हैं ब्रह्म धर्मम, सरंजनी परिणयम, प्लेग फॉर्स, कीर्तन रत्नमाला, ब्रह्मदम, मदैक्यम, मदवुम गुरुवुम, ആരാധനയുടെ രണ്ട് പടികൾ, ബ്രഹ്മമതവും ഇതര മതങ്ങളും, ജാതി, വിവാഹഗീതങ്ങൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ മഹാത്മയം, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ ആദി. 4 ജൂൺ സൺ 1917 ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ ഡോക്ടർ അയ്യതൻ ഗോപാലൻ കോ റാവ് സാഹബ് കി ഉപാധി സെ സമ്മാനിത് കിയ. ഡോക്ടർ അയ്യതൻ ഗോപാലൻ जातिगत मतभेदों और मूर्ति पूजा का आजीवन विरोध किया। अंतरजातीय विवाह के पोषक और केरल के नवोत्थान नायक थे डॉक्टर अय्यतन गोपालन।